बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वो मक्का में ही है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपना घर खाना काबा को किस तरह से, कब और कैसे बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया, और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे, और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी कि बने हुए कितने 100 साल हो गए हैं, और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है, और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम लोग आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई है, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेंगे और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गए हैं। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरदस्त के शहर खम्बू पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, और ये सातवें आसमान में अर्श के सामने काबा के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है, और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ते एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेते हैं या नमाज पढ़ लेते हैं, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरफ फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं उसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करे और मेरी इबादत करे। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला को हुक्म का तालिमा करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्ला शरीफ यानी कि काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, तो खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देख सकता हूँ, जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताए वहाँ काबा बनाकर उसको चारों तरफ से तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाया जहाँ से जमीन बनी थी।
यानी जिस जगह से सबसे पहले जमीन का झाग पैदा हुआ था और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस झाग पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने पांच पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन पांच पहाड़ों में कोहे लिबनान, कोहे तूर, कोहे जूद, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मट्टी उठाकर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह कर नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार तामीर किया। जबकि कुछ मुफसरीन का ये भी कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया था, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बताते हैं कि खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का आजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंची और लाल टीले की तरह रह गई। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह से बनाया, इस वाक्य के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसान आबादी का नामो निशान नहीं था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग की टीली थी। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का वाक्या पेश आया और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी कि इस घर को बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों को देखने के बाद काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लिबनान, कोहे हीरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांच पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशान देही से जबेल अबी को 22 से कुएं से दो पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थर को उठाकर लाए, उनमें से एक पत्थर हजरत अस्वद था और दूसरा पत्थर मक्का में इब्राहिमी के नाम पर मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मक्के में इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवार बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवार ऊंची होती गई वैसे वैसे वो पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता
मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, पर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मक्का में इब्राहिमी जन्नत के पत्थरों में से दो पत्थर है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नूर की रोशनी को बुझा दिया, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नूर की रोशनी को ना बुझाते तो ये पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खानाए काबा को पांचवी बार कौम अमाल का और छठी बार कबीला जुरहम बनाया। कबीलाए जुरहम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्ष बिन मद्दे असगर था। खाना काबा को सातवीं बार बनाने वाले नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत कूसा बिन कलाम था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बिस्मिल्ला पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को आठवीं बार बनाने की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरेश के सरदारों के जमीन में से एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत ही कमजोर हो गई थी। तो एक मशोरे के बाद ये फैसला लिया गया और खाना काबा को कबीलाए कुरेश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाते अकीदत में भी शिरकत फरमाए। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरेश की तामीर में हातिम काबा को शामिल नहीं किया गया। खाना काबा को नवी बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थराबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गई थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हदीम काबा जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था उसके भी शामिल करके बुनियादे इब्राहिम पर खाना काबा को नए सिरे से बनवाया। खाना काबा की दसवीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायाब हिज्जा बिन यूसुफ जो कि एक जालिम हुक्मरान था उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठे तो उन्होंने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने ये कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीके का रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर होने के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाएगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम हो जाती है। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुतुनिया ने हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारतों की बुनियाद को बुनियादी हज्जाज के जैसे तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगी मरमर के पत्थर लगवाए और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे मरमर से चूने में चुनी गई और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा खाना काबा पर डाल दिया जिस पर कलम तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सुल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में जब काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना काबा वो कमोबेश 404 साल पुराना है क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी है और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्ला शरीफ की बार बार जियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्ला की शहादत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।